इस महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना, केवल आत्मा की साधना की, उस प्रभु ने तपाया इस देह को, तपाया। तुम कितना तपा पाओगे, जितना तपाओगे। और ये मांस का मन हमारे लिए नहीं मत करना, हम आपको कोई सोने की चैन नहीं देंगे। एक भाई मेरे पास आया, ऑफर दी, जितने मांस का मन होंगे सोने की चैन मैं दे दूंगा। मैंने कहा भाई हमने सौदा नहीं करना, सोने की चैन कम है तुम्हारे पास घर में, क्यों लालच दे तुम्हें सोने की चैन का? ये तो सोने की चैन का मांस का मन हो गया, हम नहीं करवाते भाई ना सोने की चैन, कुछ नहीं देंगे। हाँ संघ की भावना हो एक, आपका अभिनंदन कर देंगे, वो संघ की बात है, हमारा उसमें भी दखल नहीं है। हम कहो तपसा निर्जराच, तप केवल कर्मों की निर्जरा के लिए करो, मांस का मन करो, अनंत कर्म रजित हो जाएंगे। अरे सोने की चैन मिले कि नहीं, 10 ग्राम की मिली कि 25 ग्राम की मिली, कि छोटी मिली कि बड़ी मिली, तुम अटक जाओगे संसार में। नहीं, धर्म को बेचना मत, धर्म दुकानदारी नहीं है, धर्म तुम्हारे लिए एक अवसर लेके आया है कितने अनंत कर्मों की। कोई कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं दो भाव में मोक्ष चले जाएं, तीन भाव में मोक्ष चले जाएं। शुद्ध समकत ग्रहण कर लो, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें आत्मदृष्टि मिल जाए, इसका ये लाभ लेना है। और आत्मदृष्टि के लिए प्रवचन होंगे, सब प्रवचन सुनना और आत्मदृष्टि के लिए ध्यान शिविर। अभी आपको संयोजक महोदय ने, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमने एक रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड तो केवल एक नाम का है, तुम अपने हृदय से आओ, बच्चा बच्चा आए, रिकॉर्ड तो अपने आप बन जाते हैं जब घर के सभी मेंबर आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे तो रिकॉर्ड बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाते हैं। हम क्यों कहते हैं कि तुम्हें अनुभव में आए। और अब ये आपको जो आपको भी सोचना कि क्यों रखा रखे, जो पर्ची जो काटी जाती है इसलिए नहीं कि हमें को धन चाहिए। जो व्यक्ति पर्ची कटा करके आता है वो पूरा लाभ लेता है, यदि पर्ची ना कटाओ तो आधे लोग आएंगे आधे नहीं आएंगे, ये हमारा अनुभव है, ये प्रवचन नहीं है। ये 6 घंटे आपको बैठना है, कमिटमेंट है तुम्हारा, कमिटमेंट से आओगे तो तुम्हें लाभ। हम जम्मू में थे और जम्मू में कमिटमेंट रखी थी, बरसात पड़ रही है, 100 के 100 लोग आए। और अमृतसर में कहते हमें कहा कि ये पर्ची मत रखो, हम नहीं रखते। और पहले दिन 37 लोग आए, फिर 17 आए, फिर 7 रह गए। क्यों? लोगों की मैंटेलिटी है, जो दवा मुफ्त में मिल जाए वो क्या करते हैं, एक गोली 5 रुपए में मिलती है और एक 50 रुपए में मिलती है, कौन सी गोली खाओगे बोलो, कौन सी खाओगे? 50 रुपए बढ़िया गोली है। और आजकल ध्यान शिविरों के 11-11 हज़ार 25-25 हज़ार लेते हैं और आपको ले जाएंगे, आराम करवाएंगे, शरीर की शुद्धि, उसकी बुद्धि, मन की, बहुत कुछ करवाते हैं, बड़ा प्रलोभन देते हैं। हम कोई आपको प्रलोभन नहीं देंगे, हम आपको तपाएंगे, देह तपने के लिए तपोगे आप, जब आप ध्यान करोगे, कवसक करोगे, अतापना लोगे तो आपको लगेगा महावीर कैसे तपते थे। और देह पीड़ा होगी पर भीतर से सुख बहेगा, अनंत सुख बहेगा। इसलिए ध्यान शिविर को कमिटमेंट रखा जाता है। इनका 4 दिन का शिविर है, हम ऐसे कह दें आ जाओ तो पहले दिन तकलीफ होती है, लोग भाग चले जाते हैं, दूसरे दिन अच्छा लगता है, इसलिए हम कहते हैं कमिटमेंट से आओ भाई। कमिटमेंट करने से क्या होता है, और जो कुछ भी तुम, ये कमिटमेंट है, इसके आगे सर्कल चलता है,
आगे जो कुछ भी पब्लिसिटी होती है, ये कैमरामैन, ये सब जो काम चलता है ध्यान की पब्लिसिटी के लिए होता है। तो इसलिए आपने जो बताया गया प्रवेश होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी भावना होर्डिंग को लग रही है, ये होर्डिंग हम इसमें खुश नहीं होते कि हमारे लिए लग रहे हैं, एक पूरे उदयपुर में नहीं भारत में कोई भी लोग आए उनको पता लगे कि चतुर्मास यहाँ हो रहा है, सीधा आ जाए। एक आज के ज़माने में एक प्रचार प्रसार का युग आ गया, हम चुप करके भी जा सकते थे, बैठ सकते थे और 50 लोग ही आते, अब एक एक वातावरण से एक इस तरह से आते हैं तो लोगों को एक वातावरण बनता है। हम चाहते हैं कि उदयपुर का बच्चा बच्चा बाहर से आने वाले आए और एक घंटे का जो प्रवचन रखा है, एक घंटे में आप आके लाभ ले लो। ज़्यादा हम कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनाएंगे, शॉर्ट सिंपल, वट एवर दी नेसेसिटी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वही हम देंगे आपको, ज़्यादा नहीं देंगे। स्वाध्याय, ध्यान, ध्यान क्यों ज़रूरी है? ध्यान से आपका जीवन रूपांतरण होगा। आज के सारे डॉक्टर भी कहते हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन है, जिसको कुछ भी है, वो कहते हैं शिवर करो पहले, ध्यान करो पहले, बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाती है, तुम्हारी आदतें बदल जाती हैं, तुम्हारी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, तुम्हारी नींद कम हो जाती है, तुम्हें 6 घंटे सोते हो तो 4 घंटे की नींद में पूरा हो जाता है, तुम थकोगे नहीं काम करते समय। ध्यान के बहुत बेनिफिट है और ध्यान से आपकी अंतर की शुद्धि होती है। स्वाध्याय भी करवाएंगे युवाचार्य श्री जी, स्वाध्याय भी कराएंगे, प्रश्नोत्तर भी होंगे, सब होगा, पर ध्यान से आपके जीवन का रूपांतरण होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहला एक शिविर एक खास अच्छी तरह हो सबके सब, फिर आपको अच्छा लगा एक दिन में आए, फिर 2 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 11 दिन का, फिर धीरे 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 आपको अच्छा लगा तो करते चले जाइए। और 4 महीने का समय कैसे बीत जाता है पता नहीं लगेगा, और इसमें आप डुबकी लगा लोगे। और केवल केवल हम चाहे युवाचार्य जी बोले, चाहे मैं बोलूं, चाहे श्री शिवमणि जी बोले, चाहे डांगी जी बोले, चाहे सूर्या जी बोले, हम बात केवल आत्मा की करेंगे, हम बात केवल महावीर की करेंगे, हम बात केवल शरमन संघ की करेंगे, हम बात सबके सहयोग की करेंगे। कभी मेरे मुख से मत सुन लेना कि पंजाब परंपरा ये कहती है, पंजाब के आचार्य ये कहते हैं, वो कहते हैं, कोई परंपरा नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आत्मा। शिवमुनि गौण है, शिवमुनि का पद गौण है, शिवमुनि का आचार्य पद गौण है। इस शिवमुनि की सांस टूटेगी, आचार्य पद चला जाएगा, देह चली जाएगी, कौन याद करेगा शिवमुनि को, कौन याद करेगा? आचार्य देवेंद्र मुनि जी को कितना याद कर लो, वापस आ जाएंगे? उपाध्याय पुष्कर मुनि जी वापस आ जाएंगे? कितने आचार्य के वापस आ जाएंगे? तो महत्व किसका है, मैं आपसे पूछता हूँ। शिव मुनि का महत्व है कि शिव मुनि के भीतर जो आत्मा है उसका महत्व है, बोलो। अभी आवाज़ नहीं आई, अभी भी आवाज़ नहीं आई। सबका सबका आत्मा का महत्व, आत्मा ना हो तो एक क्षण भी तुम श्वास नहीं ले सकते। और आत्मा दृष्टा रह के तुम करते हो तो कर्मों की नजरा, आत्मा कर्ता भोक्ता करते, मैंने किया, मैंने किया, उसने किया, उसने किया, तो कर्मों का बंधन चाहे पुण्य का मान लो चाहे पाप का मान लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। खैर बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो तुम सबके लिए मंगल की कामना करो, प्रार्थना करो। तो हम जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, हम जुड़े हैं आत्मा से, देह से नहीं जुड़े, आत्मा से जुड़े। पर आत्मा अकेली है, मेरी आत्मा आत्मकी आत्मा का कोई संबंध नहीं, अकेली है आत्मा, शुद्ध है आत्मा, पवित्र है आत्मा। बस इतना ही समझ लो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा पर निष्ठा करना, श्रद्धा करना, अटल विश्वास करना, वो कैसे करना? धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप प्रभु की वाणी सुनोगे, आप ध्यान करोगे, आपको स्वतः ही अनुभव आ जाएगा। और जो जो भाई बहनें जिन्हें ड्यूटी ली है ध्यान शिविरों के रजिस्ट्रेशन कराने की, आप उनके पास जाइए। मुझे पता लगा कुछ लोग कराए नहीं, करवा लेंगे, कर लेंगे। भाई समय नज़दीक आ गया है, संघ का चतुर्मास नज़दीक आ गया है, जो संघ के पदाधिकारी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। जो तुम्हारी भावनाएं लिखो,
जितनी जल्दी लिखाओगे उतनी कर्मों की नजर ज़्यादा होगी, और लेट लिखाओगे लेट कर्मों की नजर होगी। देना है तो दे दो ना, सोच सोच के क्या करना, वो कितना लिखाएगा मैं कितना लिखाऊंगा। जिसने जो देना है, तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं। हम राधा स्वामी के गए थे, ये तो हमारी प्रॉपर्टी गलत हो गई है, तुम्हारे घर में जाएंगे मस्का लगाएंगे क्या देना क्या नहीं देना। वो ये चतुर्मास है, महाकुंभ है, करोड़ों का खर्चा होगा, तुमने जो तुम्हारी भावना बनती है तुम्हारे घर में आते दे दो ना एक बार में, और उससे काम चलेगा। यदि पैसा नहीं होगा तो टेंट कैसे बनेगा, भोजन के लोग कैसे भोजन करेंगे, ये कैसे पढ़ दे। हमें तो भोजन की जरूरत नहीं, हम तो आपके घर जाएंगे भिक्षा मांग के लिए आएंगे, हमारे तरफ भोजन नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत घर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये आपको कहता हूँ, मुझे जो सुनने में आता है मैं बोलता हूँ आपको, अभी तक सुनने में आया है कि कुछ बड़े बड़े लोग भी सोच रहे हैं लिखाएं, कितना लिखाएं, कब लिखाएं, तुम्हारी मर्जी, मत लिखाओ, ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप नहीं लिखाना चाहते तो मत लिखाओ, चतुर्मास होगा अच्छी तरह होगा, और तुम्हारा भाग्य है तुम्हारा पुण्य है तो औती डाल दो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। पर श्रद्धा से लिखो, प्यार से डालो, देना है तो क्यों ऐसे करना, शुरू से कर दो कि हाँ मेरा इतना। तुम घर के बेटे की शादी करते हो कि नहीं करते, तिजोरी बंद करके करते हो, बोलो तिजोरी बंद करके करते हो, तिजोरी खोल के करते हो ना, तो ये चतुर्मास है। इसलिए विचार कर लेना, और जो ध्यान शिविरों के संयोजक हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन जिसने कम फर्स्ट, बाद में यदि आप कहें, क्योंकि बहुत लोग 70 लोग जम्मू से आ रहे हैं, कोई बठिंडा से आ रहे हैं, कोई पंजाब से आ रहे हैं, फिर आप कहोगे कि हमें तो अवसर नहीं दिया। हम अभी कहते हैं चार ध्यान शिविर, 4 दिन का 7 दिन का 11 दिन का, यदि आपका मन करता है अपना नाम लिखा दो। आप जाते हो, एरोप्लेन की टिकट पहले बुक करा देते हो, सस्ती मिल जाती है कि नहीं, और बाद में कराते हो तो कितने महंगी होती है। तो फिर जो तुमने करना है 4 महीने में ऐसे से शुरू कर दो। और भगवान की वाणी कहती है, जैसे प्रवचन में तुमने कल आना है, तुम सोचोगे आएंगे देखेंगे जाएंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यदि आपने संकल्प कर लिया कि सुबह 9 बजे प्रवचन शुरू होगा 8:30 बजे, और रात को संकल्प करते हैं कि मुझे प्रवचन में जाना है, जैसे आपका भाव बना उसी क्षण से आपके कर्मों की नजर शुरू हो जाती है। आपने मांस खमन करना है या बेला करना है, संकल्प कर लिया तो संकल्प करने से आपके कर्मों की नजर, ये भगवान महावीर की वाणी, चल माने चलिए। तुमने बंबई जाना चाहते हो, कलकत्ता जाना चाहते हो, घर से पूछा, वो तो बंबई गए, भाई बंबई कहाँ गए, अब तो घर से गए हैं, अभी टिकट भी नहीं खरीदा, अभी स्टेशन पे पहुँचे होंगे, तो कहाँ गए, बंबई गए, कहते कि नहीं, बोलो बोलो, कहते कि नहीं, घर से गए हैं, कोई आके पूछता कहाँ गए, कि बंबई गए, अभी टिकट ली है भाई, गाड़ी में बैठेंगे जाएंगे, तो भगवान की वाणी कहती चल माने चलिए। तुमने जहाँ से चलना शुरू कर दिया तुम्हारी धर्म की यात्रा शुरू हो गई। समझो वीतराग धर्म को, समझो ये धर्म बहुत महान है, ये धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ी जल्दी मोक्ष जा सकते हो आप। हमें उलझा दिया है क्रियाकांड में, ये में वो करना ये करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मा को पकड़ लो और आत्मा में स्थित हो जाओ, और आत्मा में कैसे बैठना है कैसे करना है, जैसे जैसे तुम आते चले जाओगे आपका अपने आप, अपने ऐसे बच्चे को स्कूल भेज देते हो तो माँ बाप को कुछ चिंता होती है, टीचर अपने आप पढ़ाते हैं, अपने आप क्लास पास कर लेते हैं, आगे आगे हो जाते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप आओगे आपका स्तर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो मेरी भावनाओं को समझिए, और आप बहुत अच्छा काम सभी कर रहे हैं, परंतु ये समझ में नहीं आती कि लेट क्यों हो रहे तुम लोग, इस पर विचार करना चिंतन करना। जिस जिसकी जो जो ड्यूटी है वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, पर और अच्छी ढंग से काम कीजिए, जिसकी आवश्यकता है। ये आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत।
सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक शुद्ध आत्मा, देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह के गुणधर्म अलग, आत्मा के गुणधर्म अलग। देह में पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा। आत्मा में राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, माया नहीं। ये सारा संसार देह का संसार है, आत्मा में कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा है। जैसे जैसे आप अपने भीतर प्रवेश करोगे, देह की आसक्ति टूटेगी, मोह माया कम होगा, कर्मों की नजरा शुरू होगी, विचार आएंगे चले जाएंगे। तुम विचार भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, तुम आत्मा। अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए, प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तबो देवावितंग। नमंग संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण हरे।